हेलो साथियों, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे हजारों मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर मुझे मैथ नहीं आती है, मैथ की वजह से मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, शादी तक कैंसिल हो गई क्योंकि मैथ की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल आप सही जगह जुड़ गए। अगर आपकी भी यही समस्या है कि आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो आज से आपको मैथ आने लगेगी, ये हमारी गारंटी होगी। स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट से जो दिल की बातें निकलती हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विनीता सावंत का ये मैसेज 6 अप्रैल को आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि पहले मुझे मैथ में कुछ नहीं आता था, अब पहले से बहुत ज़्यादा आता है और आपके YouTube PBR स्टडी ऐप से बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच। मतलब आप ये समझ रहे हो, इस तरह से बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, बच्चे अपना दर्द सुनाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन हाँ उसमें मैनेज करके आपको हम कभी सुनाएंगे जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो आपको हम सुना सकते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कमेंट आता, मैसेज आता, ऐसे लगता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको गणित में समस्या है। तो आज हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल शुरू से आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज हमें पढ़ना है क्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर आप 10 से 15 मिनट देख लेंगे तो गारंटी है कि आप मैथमेटिक्स का काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। चलिए, जो इतना पढ़ना है भाई उतना अच्छे से सीख लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ढेर सारा पढ़ लो। हाँ, ये तो वैसे हुआ जैसे खाने को भाई इतना सारा खा लो हजम एक ना हो, तो फिर जितना खाओ उतना हजम कर लो। आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर और अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं साथियों, यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना। जैसे ये नंबर मैंने लिखा 12 ना, इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं जिससे जिससे ये कट जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 जो है इन दिए गए सभी अंकों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप अगर 12 में 1 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से करोगे तब भी कट जाएगा, 3 से करोगे तब भी कट जाएगा, इस तरह से ये पूरा पूरा कट जाएगा। इधर अगर हम बात करें भाई साहब 7 की, तो इधर 1 और 7 होगा, इसके अलावा और कोई ऐसी गिनती नहीं है जिससे 7 में पूरा पूरा भाग करें और पूरा पूरा कट जाए, 0 से फल आए। क्या आपको भी कुछ इसमें समझ में आया? अभी नहीं आया होगा मुझे पता है, अभी पूरा क्लास को देखो एंड तक, सब समझ में आएगा यार, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एक नंबर लिख लिया 12, तो ये तो आप समझ ही गए, अगर मैंने 16 लिखा तो इसके भी तो फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, 1, 2, 3 नहीं होगा इसमें, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8, 10, 11, 12, 16। तो आप यहाँ से पूरा बात क्लियर कर चुके हैं। देखो, कोई भी चीज़ का अंतर समझने में ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, वो संख्या जिसके दो, सिर्फ दो, मतलब 1 को मिला करके गुणनखंड हो, उससे अधिक 1 भी ना हो, वो भाज्य संख्या होती है। या फिर ऐसे समझ लो देसी भाषा में कि वो संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, बाकी और किसी से ना कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। सॉरी, अभी मैंने इसको शायद भाज्य बोला था, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा भी है, कुल मिला के ऐसे समझ लो ये क्या है, मतलब भी है। जैसे आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से किसी से मतलब रखते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं रखते हैं, मतलब अपने और अपने उसके, समझ गए ना। दो इसमें देखो, वो संख्या जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आप कहोगे ये तो भैया ढेर सारी संख्याओं से कट रही है, नहीं, संख्या भाज्य होने का ये मतलब नहीं है। जैसे मैंने 2 लिखा ना, 2, हाँ एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये 2 जो है ना, इसके बारे में बाद में तुलना करेंगे, इसकी बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पे जैसे मैंने 4 लिखा ना, तो 4 1 से, 2 से और 4 से, ये सिर्फ 3 ही गिनती से डिवाइड होगा। इसकी तरह जैसे ये 5 से और ये 6 गिनती से डिवाइड हो रहा था, वैसे ये नहीं होगा, ये सिर्फ 3 ही गिनती से डिवाइड होगा, लेकिन ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी ये 1 से कट रहा है और किससे कट रहा भाई, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी और एक संख्या से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, बाकी और किसी से नहीं कट रहा है। कटने का मतलब ये है कि जैसे 13 में अगर हम 1 का भाग करें तो ये देखो, ये मतलब
पूरा पूरा भाग गया, जीरो से शेषफल आ गया। 13 को अगर हम 13 से ही भाग कर दें, ये यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जनाब, जीरो आ गया ना। लेकिन अगर हम कहें कि 13 को 2 से भाग कर दें, 3 से कर दें, 5 से कर दें, 7 से कर दें, तो किसी से भी नहीं कटने वाला, वो चाहे जितनी बार कर लो भाग। समझ गए ना आप लोग? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आप भाज्य अभाज्य कुछ समझे कि नहीं। अभी रुकना, कहीं जाना नहीं। नहीं समझे तो अभी रुकना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में थोड़ा कम आता है, थोड़ा धीरे धीरे आता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके समझ में ना बहुत स्पीड में आएगा, बुलेट ट्रेन की ज़्यादा स्पीड से आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, बुलेट ट्रेन भले ना आए लेकिन मैथ आपको आ जाएगी। देखो समझो, ये चीज़ें आप समझ गए। वो संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, बाकी और किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होती है, प्राइम नंबर होती है। प्राइम का मतलब ही कुछ विशेष होता है। जैसे आपने देखा होगा अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, या फिर की बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसमें आपको प्रीमियम सर्विस मिलती है या फिर प्राइम सर्विस मिलती है। इसका मतलब ये होता है जो औरों से अलग हो, हाँ, मतलब कुछ अलग हो। तो आप लोग भी क्या करो, अपनी ज़िंदगी में अभाज्य बनो, प्राइम बनो, मतलब कुछ ऐसा काम करो जो अगला ना कर पाए, तो आप क्या हो जाओगे, प्राइम। समझ गए? देखो यहाँ पे समझो। और भाई कितना देर हो गया अभी ये, आप लोग मुझे ये बताओ। ये मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। आप इसमें से मुझे छाट करके बताओ, इसके अंदर लिख रहा हूँ खाना में, ये कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन भाज्य संख्याएं हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो चलो चलो, इसमें से कौन कौन संख्याएं अभाज्य हैं और कौन कौन भाज्य हैं। चलो भाई, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? इसमें से आपको छांटना है कौन कंपोजिट है, कौन प्राइम नंबर है। इतने में आप लोग समझ जाओगे ना, इसमें किसी को कोई हैरानी परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं ना। इसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, पता है आपको? ये आपका हो गया पूरी कहानी ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज फ्रैक्शन का कुछ पार्ट बच रहा था, जिसे बोलते हैं क्या, और हे सुनो पहले एक बात और, अभी तक जिन भी छात्रों ने क्लास को लाइक नहीं किया भैया ना बाबू, कर दो यार, जिससे आपको अगली क्लास भी मिल सके, हमें थोड़ा एनर्जी मिल सके और हम और पढ़ा सकें अच्छे से, ठीक है? बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग क्लास को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, याद दिला रहा हूँ बस, बाकी तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन कहते हैं ना हनुमान जी भी बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन जब विपत्ति आती तो भूल जाते हैं कि हम शक्तिशाली हैं। वैसे आपके सबके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हैं तो हम उसी धरती पर ना। देखो यहाँ पे समझो, अभी हम और क्या पढ़ेंगे, बड़ी व छोटी भिन्न, ठीक है? क्या पढ़ेंगे, बड़ी व छोटी भिन्न, ध्यान से समझना, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी आगे समझते चलो, पूरी कहानी समझते चलो भाई, अभी बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। जैसे मैंने दो भिन्न दिया, एक बटा पाँच और यहाँ पर लिखा एक बटा सात, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको बताना है। अगर मैं नीचे एक और भी लिख दूँ कि दो बटा सात और चार बटा तीन, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका ज्ञान मैं आपको करवाऊँगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो नेक्स्ट क्लास देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ढेर सारी लिंक मिल जाएंगी। एक बात और सुन लो, स्क्रीन पे नीचे अभी तक आपने देखा होगा नंबर चल रहा है ना ऐसे ऐसे, तो उस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पे करके पूरा कोर्स ले लेना होगा और आप जल्दी से जल्दी एक महीना के अंदर पूरा बेसिक कंप्लीट सीख जाएंगे। बाकी अगर आपको फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब पर PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर ऐसे रेगुलर छोटे छोटे क्लासे आती रहेंगी, आप फ्री पढ़ोगे, घर बैठे पढ़ोगे, लेकिन इस तरह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पूरा वीडियो मिलने में। बाकी अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करना, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी महत्वपूर्ण लिंक दी गई हैं, आप उन पर संपर्क करिए, क्लिक करिए, जाइए देखिए, फेसबुक पे हमें फॉलो करिए, वहाँ पे सारी फ्री क्लासें मिल जाएंगी, पेड वाली क्लासें भी फेसबुक पेज पर फ्री मिल जाएंगी। PVR स्टडी सर्च करना फेसबुक पर, पेज मिल जाएगा, लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद साथियों, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, कभी हार नहीं मानना लाइफ में।